हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग क्लास 9th का, ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। और मैथमेटिक्स में भी क्या पढ़ रहे हैं, तो संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था दो अंकों की संख्या का गुणन। बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है। तो दो अंकों की संख्या का हम लोग क्या सीखे थे? गुणन सीखे थे, मल्टीप्लाई करना सीखे थे। ठीक है, तो उसी के आधार पर चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन, इसको आप करके बताओ मुझे। इसको आप करके बताओ किसका उत्तर क्या आएगा। इसको आप करके बताओ। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करके बताओ कि इसका उत्तर क्या आएगा, और सबको पोल में बताना। ठीक है, एक सेकेंड बेटा, आप लोग थोड़ा सा रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना, थोड़ा सा रुक जाओ। ये रिकॉर्ड, एक सेकेंड। सर आवाज नहीं आ रही। अब देखो, पोल तो बंद है। हाँ, अब पोल ऑन है। देखो, पोल ऑन है। देखो बेटा, पोल ऑन है। हेलो, हेलो, आइए। आवाज नहीं आ रही। बेटा, मैं कुछ बोल नहीं रहा था, बस मैंने आपसे ये बोला कि इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका उत्तर दीजिए आप सभी को। चैट सेन ऑन कर दो। नहीं, अभी नहीं चैट ऑन करूंगा, कुछ देर बाद, कुछ देर ठीक बाद। है सर। बाकी बच्चे इसका उत्तर करिए। ओके बच्चों, चलो बंद करें क्या ना पोल। चलो 10 सेकंड का टाइम देते हैं, और 10 सेकंड का टाइम, उसके बाद से बंद करेंगे। बंद कर दो। ओके, चलो बंद करते हैं।
सतीश कुमार के नाम जो है, पहले अपना कैमरा बंद करिए। चलो बच्चों चैट में इसका उत्तर करो। सारे बच्चे चैट में स्टॉप कर दो। ठीक है, तो देखो ये बहुत इजी सा सवाल है, मैं आपको सिखा देता हूँ। आप क्या किया करो ना, सबसे पहले इन नंबर्स को देख लो कि प्लस में या माइनस में। दरअसल आपको इसको सॉल्व करने के पहले एक चीज जानना होगा कि जब आप किसी ऋणात्मक संख्या का गुणा किसी धनात्मक संख्या से कराते हैं, जो उत्तर आता है वो ऋणात्मक आएगा। देखो ये पहली जो संख्या है बेटा, ये देखो पहली संख्या वो अपने आप में क्या है, ऋणात्मक है। जो दूसरी संख्या है वो अपने आप में क्या है, धनात्मक है। क्यों? क्योंकि 28 के आगे कोई कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो जब कोई चिन्ह नहीं लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो हमने आपको सिखाया कि माइनस और प्लस का गुणा कराओगे तो माइनस आएगा, इसीलिए ठीक है बेटा, इसीलिए होगा क्या होगा, ये कि ना तो ये वाला उत्तर होगा ना तो ये वाला उत्तर होगा। अब या तो ए होगा या तो सी होगा, अब इसी में से कोई दो उत्तर होगा। हाँ बेटा सरसी सी देख लेते सरसी हैं, तो आप क्या करो, ए या सी में से कोई एक चूज करना है, तो सबसे पहले सिंपली जैसे पिछले क्लास में सिखाया गया था ना बेटा, वैसे गुणा कर लो। तो चलो 8 का गुणा 4 में कराओ, तो 8 चौक 32, यानी कि आप 2 लिखोगे और 3 हासिल लग जाएगा। फिर 8 का गुणा 5 में, 8 पच्चीस 40, 40 और 3 43। फिर 2 चौके 8, 2 पच्चीस 10, 8 में 11 को 1 हाथ में आया, 1 4 1 5, ठीक है 4 1 5, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1 होगा ना। अब सोचोगे कि ये प्लस होगा कि माइनस। अभी को मैंने सिखाया था कि जब एक संख्या ऋणात्मक और दूसरी संख्या धनात्मक, इन दोनों का गुणा होता है तो उत्तर क्या आता है, ऋणात्मक आता है, यानी कि आंसर कितना आएगा, 512 -5। तो बेटा माइक बारह नहीं ऑन करो, माइक नहीं ऑन, तो -1512 सी वाला उत्तर सही होगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? चलो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। संख्याओं का गुणा नहीं सीखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर ही सीखेंगे, लेकिन अब हम लोग सीखेंगे 3 संख्याओं का, सॉरी 3 अंकों का। देखो यहाँ पे एक सवाल लिखा गया है, 357 गुणे 160, इसका अगर आपको गुणा करना है बेटा तो पहले इस प्रकार से लिख लो, है ना, 357 गुणे 160। अब क्या करोगे, अब गुणा करो, 0 का गुणा 7 में कर लो। क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि 0 का गुणा किसी भी संख्या में कराओ तो क्या होता है, 0 होता है। अब 0 का गुणा 5 में कराओ, 0 गुणे 5, फिर वही बात हो जाएगी, 0 हो जाएगा। फिर 0 का गुणा 3 में कराओगे तो 0 हो जाएगा। बताओ ये वाली लाइन आप सभी को समझ में आए कि नहीं आए, पहले इतना बताओ, पहले इतना बताओ, इतना समझ में आया? ओके, अगर इतना समझ में आ गया तो अब इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। अब मैं ग्रीन कलर से लिखूंगा। देखो अब 6 का गुणा 7 में, 6 सते 42 को 2 हाथ में आया, 4 यानी हासिल लगा 4, 6 पच्चे 30, 30 और 4 34 होता है बेटा, 34 को 4 लिखोगे और 3 क्या हो जाएगा, अब जाके हासिल हो जाएगा 3, 6 3 18, 18 और 3 ये हासिल था, 18 3 21, 21 को पूरा 21 आपको लिखना पड़ेगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या बचा, अब देखो एक बचा, चलो एक को हम नीले कलर से लिखते हैं, इस वाले मल्टीप्लाई कर, तो 7 एकम 7 इस प्रकार से, 5 एकम 5 और 1 3 3। तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने जगह छोड़ दिया, फिर यहाँ पे मैंने जगह छोड़ दिया, बेटा इस तरीके से एक एक जगह छोड़ते चले जाते हैं। ये सारी चीजें आप सभी को मालूम है ना? सर हाँ
सर आंसर इज 56,980 सर। हाँ देख लेते हैं, देख लेते हैं। तो 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब 7 और 4 11 होता है, तो 11 को 1 लिखोगे, हाथ में आया 1। 5 1 6 1 7 और 3 और 2 5। हाँ कितना बोल रहे थे बेटा, अब बताओ। रॉन्ग ओहो रॉन्ग हो गया। अच्छा कोई बात नहीं। तो सुमन चौहान के नाम से एक बच्ची है, तो उनका आंसर है 57,120। सही है, बाकी किसी बच्चे का सही नहीं था। सुमन हो गया सर क्या नाम है, क्या नाम है बेटा? जी। मैं नल का हूँ। धीरज ओके धीरज। ठीक है धीरज। तो सिर्फ धीरज का ही उत्तर सही है, बाकी हर एक बच्चे का उत्तर गलत हो गया। आगे से सारे बच्चे ख्याल रखेंगे इस चीज का। सर, मैं कॉपी में कर रहा था सर, मेरा गलत नहीं था तो ये बताओ, ये वाला सवाल आपको समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। सर। हमने उत्तर तो दिया ही नहीं हाँ सर, उत्तर नहीं दिया हमने। उत्तर देना चाहिए था बेटा, उत्तर आपको देना चाहिए था। सर हमने लगा कि आप समझा रहे हो बाद में क्वेश्चन नहीं नहीं करने। नहीं यस नहीं अभी सर, ना हम आप। तो समझा रहे हो आप। अच्छा, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। कर लिया आपने? यस चलो सर, यस सर। अगर कर लिया तो चलो बेटा इस सवाल को करके दिखाओ। चलो अच्छा रुक जाओ, रुक जाओ, अभी नहीं रुक जाओ, थोड़ा सा कुछ और बातें कर ले। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्या है? लिखा गया कि 2 या 2 से अधिक प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का गुणन भी एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ठीक है? यानी कि अगर हम 2 प्राकृतिक संख्याओं या पूर्ण संख्याओं का आपस में गुणा कराएं, तो उत्तर जो आएगा वो प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या ही होगी। देखो यहाँ पे ये दोनों ही संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। देखो 5 एक प्राकृतिक 2 एक प्राकृतिक, तो अब गुणा कराओगे तो 10 आ रहा है, तो 10 अपने आप में क्या है, एक प्राकृतिक संख्या ही है। और याद करो गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बोलो बेटा कहते कि नहीं कहते हैं? अब देखो 0 एक पूर्ण संख्या है, 2 भी एक तरीके से पूर्ण संख्या है, इन दोनों का गुणा कराओगे तो 0 आएगा, यानी यहाँ भी ये क्या है अपने आप में बेटा, पूर्ण संख्या है ना। सारे बच्चों ने नोट कर लिया इस चीज को? अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है। किसी को दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो अगर दिक्कत नहीं है तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। हम चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। चैट सेक्शन ठीक है, बाकी लोग भी इसका उत्तर करिए पोल में। बहुत अच्छा सवाल है, हम थोड़ा सा रुक जाते हैं क्योंकि अपने आप में ये बड़ा सवाल है, थोड़ा सा रुक जाते हैं, जल्दी से उत्तर करिए। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इसका उत्तर करिए, जितने भी बच्चे ज्वाइन किए हैं क्लास।
इंटरनेट खत्म हो गया इधर लॉक। हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? सर, आ रही है सर, आ अभी रही है सर, आ रही है सर। अभी को प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा सा नेटवर्क का, अभी ठीक है ना? सर और जब भी ऐसा हो ना बेटा, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा शांत बैठा करो और वेट किया करो सर के आने का ना। मैं तुरंत ज्वाइन करूंगा हर एक चीज ठीक करने के बाद में। ओके ओके बच्चों, ओके। अब इस सवाल को आप करके देख सकते हैं कि इसका उत्तर क्या आ रहा है। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर इसका उत्तर बी आएगा। चलो देख लेते हैं एक बार करके, ठीक है? करके एक बार देख लेते हैं। लिखा है बेटा 513 और 136, इन दोनों का ही हमें क्या कराना है, गुणा कराना है। तो आप क्या करोगे, आप इस 6 का गुणा कराओगे 3 में, तो 36 18 होता है। तो 18 को सिर्फ नौ। 8 लिखोगे, एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। हासिल मतलब कैरी हो जाएगा बेटा। 6 × 6 होता है 6 और 1 7, और 6 × 25 30 ऐसे। तो चलो ये थोड़ी सी चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हुआ है, ठीक है? इतना क्लियर है या नहीं क्लियर है जरा बताओ तो चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बताओ। अब देखो 3 का गुणा 3 में कराओ। चलो इसको मैं ग्रीन कलर से लिखता हूँ, 3 × 3 = 9। 3 का मल्टीप्लाई 1 में कराओ, 3 × 1 = 3। 3 का मल्टीप्लाई 5 में कराओ, 5 × 3 = 15। ठीक है बेटा, ये भी आ गया होगा समझ में। अब हम लोग सॉल्व कराएंगे इस 1 के, इसको मैं रेड कलर से लिख देता हूँ। चलो तो 1 × 3 = 3, 1 × 1 = 1 और 1 × 5 = 5। बस अब इसको ऐड कर दो, 8 9 7 16 होता है, यानी कि एक हासिल बचेगा एक कैरी बचेगा। 3 × 3 = 6 6 और 1 = 7 5 × 3 = 8 8 और 1 = 9 हो जाएगा। और 5 × 1 = 69,768, यानी कि बी वाला बेटा करेक्ट आंसर। सबको समझ में आया ना, सबको समझ में आया ना? यस बहुत बढ़िया, सारे बच्चे वाई टाइप कर रहे हैं, इसका मतलब सबको क्लियर है। वेरी नाइस सर। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको नोट कर सकते हो बेटा। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। ये वाला क्वेश्चन हम बंद कर देते हैं, चैट बॉक्स बंद कर देते हैं और पोल ऑन कर देते हैं, ठीक है?
बाकी बच्चे भी उसका उत्तर करिए, ठीक है? पोल में सब बच्चे उत्तर देने का प्रयास करिए। ओके बच्चों, हम पोल बंद कर रहे हैं, चैट ऑन कर रहे हैं। सर हमारा आंसर नहीं हुआ सर, ब्रोर कॉल सर अच्छा, पोल नहीं आ रहा क्या आपने? ला रहा है सर, आपने हटा दिया। ओहो, तो आप सॉल्व कर चुके थे या नहीं कर चुके थे? आप सॉल्व कर चुके थे तो यस सर, बताइए इसका उत्तर क्या होगा, चैट में लिख करके बताइए। ठीक है डी वाला, अच्छा, चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है ना, आप थोड़ा सा जल्दी से आंसर देने का प्रयास करिएगा अगली बार से। देखो बच्चों, देखा है 31 गुणे 1000, इसमें एक प्रॉपर्टी का यूज कर लीजिए। जो नंबर है बेटा, बस उन नंबर्स का ही आपस में गुणा करिए, बस और कुछ मत करिए। ये 31 एक नंबर है और एक ये नंबर है, तो 31 से कम 31 होगा। अब 0 को गिन लो कितने बार है, तो 3 बार है, 3 0 बढ़ा दो, बस हो गया। कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत है ही नहीं। आसान है कि नहीं आसान है बताओ? जो नंबर है उसको गुणा कर दो, और बहुत ईजी है, बिल्कुल सही, ठीक है? जो नंबर है उसको गुणा कर दो, जितने 0 है सबको लिख दो। तो जब भी 0 होगा ना बेटा, जब भी 0 होगा, तो इस तरीके से आप करने की कोशिश करिएगा, बहुत आसानी से वो सवाल लग जाएगा बिना किसी परेशानी के। करेक्ट आंसर डी वाला पार्ट। चलो बच्चों, अब अपने नोटबुक में हेडिंग लगाओ भाग, यानी कि डिवीजन। डिवीजन का हिंदी में मतलब होता है भाग, है ना? अभी को हम लोग गुणा किए थे, अब क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो ये हेडिंग लगा दीजिए अपनी कॉपी में। अब देखिए बच्चों, लिखा है कि दो संख्या ए और बी के लिए यदि हम बी में ए से भाग करते हैं तो उसे बी बाई ए या फिर बी डिवाइडेड बाई ए लिखा जाता है, जिसका अर्थ सर है बी में ए से भाग करना। यानी कि मान लेते हैं, अगर लिखा हुआ है ऐसे, समझिएगा, मान लेते हैं ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 15 को भाग दे रहे हैं किसके साथ है? 3 के साथ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ये दोनों ही बातें क्या हैं, सेम। ये दोनों ही बातें क्या हैं, सेम है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, उत्तर तो 5 आएगा, बिल्कुल सही बात है, उत्तर तो 5 आएगा। लेकिन पहले ये बताइए, ये समझ में आया कि भाग कैसे दिखाते हैं, कैसे लिखते हैं भाग को? ओके तो अभी मैं सिखाऊंगा भाग देना, हालांकि पहले ये सीख लो कि भाग होता क्या है ना। मान लीजिए लिखा हुआ है 216 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब है 216 को आपको भाग देना है किसके साथ, 2 के साथ में।
तो आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, इसी सेम चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर अगर ऐसे नहीं लिखने का मन कर रहा है तो आप एक और तरीका है, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो। देखो तीन तरीके, ये पहला तरीका, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों का मतलब सेम है बेटा, तीनों का मतलब क्या है, सेम है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? कुछ बच्चे उत्तर बता रहे हैं सर इसका उत्तर 108 आएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसका उत्तर 108 आएगा, 18 नहीं आएगा बेटा। तो 8 कैसे आएगा सर? आता था 2 + 2 और 2 2 8 16 होता सर। मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। देखो होता क्या ना, ये सवाल थोड़ा सा यूनिक है। आप ऐसे सोचो, आप कह रहे हो कि सर 18 आएगा 216 को भाग देने पर, तो आप एक बार 18 का 2 में गुणा करके देख लो क्या आता है, 36 आता है, ठीक है? और जबकि 108 का गुणा कराओ 2 में तो क्या आता है, बताओ क्या आता है, 216 आता है। इसका तो सही उत्तर कौन सा होगा, 108 होगा, ठीक है? ये कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि मान लो 216 था ना बेटा, 2 से भाग कर रहे थे, तो क्या करोगे आप, पहले इसको आप भाग देने की कोशिश करोगे, 2 × 1 = 2, कैंसिल हो जाएगा, ये 16 पूरा उतर जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पे ये क्या है, 216 है, यहाँ पे 8 लिखोगे तो तुम खुद सोचो, 18 का गुणा 2 में कराओगे तो 216 थोड़ी आएगा, तो 0 बढ़ाना पड़ेगा। 0 बढ़ाने के बाद अब 8 × 16, अब पूरी तरीके से कैंसिल, सही उत्तर 108। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। आ गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भाग को किस किस तरीके से दिखाया जाता है, मैंने ये भी बता दिया आपको, ये भी बता दिया, और ये भी, तीनों ही बता दिए आप, ठीक है? अब देखो कुछ नाम होते हैं इनके, तो ये देखो वह संख्या जिसमें भाग करना है, यानी जिसको भाग देना है, ठीक है? देखो इसी संख्या को भाग देना है, तो इसका नाम होता है भाज्य। इसका नाम क्या होता है, भाज्य। ये आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो, बहुत जरूरी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है बच्चों? इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है? अब देखो, अब देखो, ये लिखा मुझे या लिखा है वह संख्या जिससे भाग करना है। देखो ये वाली संख्या जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, इसको बोलते हैं भाजक, यानी कि डिवाइजर, ठीक है? तो ये भाज्य होगा और ये भाजक होगा। सारे बच्चों ने इसको नोट किया कि नहीं किया, पहले ये बताइए। मैंने कॉपी में कर लिया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सर। डेली की पर्सनालिटी भी करता हूँ। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? मैं जो आप पर्सनालिटी भेजते हैं सर वो भी करता हूँ। अच्छी बात। अब देखो कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। पहला देखो एक सवाल है आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे देखो 575 को भाग देना है 8 से, तो भाग दो बेटा क्या होगा, तो 8 × 56। देखो पहाड़ा ऐसा पढ़ना होता है ना कि या तो उससे कम आए या उसके बराबर आए। तुम खुद सोचो, अगर पहली संख्या को ध्यान से देखोगे तो 5 लिखा हुआ है, 5, तो 5 तो कम है ना बेटा 8 से, तो हमें एक संख्या से अब लेकर के बात नहीं बनेगी, हमें दो दो संख्याओं को लेना पड़ेगा, तो हमें पूरा 57 को कंप्लीट करना पड़ेगा। सर 56 आ जाएगा। हाँ, बहुत सही। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे 8 का, या तो 57 पूरी तरीके से कट जाए या तो 57 से कम आए। पढ़ो पहाड़ा क्या हो सकता है बताओ, आठ सत्य 56, 56 8 × 56, तो 57 में से 56 घटाओगे बेटा 1 आएगा,
अरे बताओ। ये सही अरे देखो, पाएगा, एक ये 15 है। आएगा सर। हाँ, अगर ये 15 है बेटा तो आप इसको भाग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप भाग देने जाओगे तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, इससे ज्यादा हो जा रहा है। जब इससे ज्यादा यस होता है सर। सर एक बार से होता अगर से इस पर साथ हो जाएगा। एक यस बार इस पर सर साथ जाएगा। इस शेषफल का लाएगा, हाँ माइंट बता दे बेटा, यह भाजक कहलाएगा, भाजक। और यह कहलाएगा आपका भागफल, भागफल। इसको आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में जैसे मैंने सिखाया। बेटा नोट करो, सर कर लिया। बाकी बच्चे बताएंगे। सर स्क्रीन शॉट ले लिया। ओके ठीक है। देखो उसी चीज को दोबारा यहाँ पे लिखा गया जो कि मैंने अभी आपको समझाया था। ठीक है, अब देखो वहां पे, हाँ, इस वाले पेज का भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यही चीज मैंने वहां बताई थी कि इस वाले का नाम होता है भागफल, कोसेंट बोलते हैं। इस वाले का नाम आपको सिखाई दिया मैंने, भाज्य। इस वाले का नाम भी सिखा दिया था मैंने, भाजक। और इस वाले का नाम आप लोग खुद बता रहे थे, सर इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, तो इस वाले पेज का चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लो। कॉपी में उतार लिया सर ने, जोड़ भी ले लिया। अच्छा चलो, अभी सवाल को करके दिखाओ। इस सवाल को करके दिखाओ बेटा, इसको करके आप चैट सेक्शन में बताएंगे। बच्चे बोल रहे हैं कि सर 203 आएगा इसका उत्तर। ठीक है, देख लेते हैं, देख लेते हैं इसका उत्तर 203 है या नहीं। पहले आप ऐसे करेंगे और इसको इस रूप में लिख लेंगे। ठीक है बेटा, इस रूप में लिख लेंगे। अब 12 दूनी होता है 24, कट जाएगा, 36 उतार देंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि तुरंत 3 लिख दोगे, नहीं नहीं बेटा, गलत हो जाएगा, तुरंत गलत होगा। अभी को मैंने बताया भी था। ठीक है, क्योंकि ये इतनी बड़ी क्वांटिटी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या करना पड़ेगा। सर जीरो लिखना जीरो शून्य शून्य सर। तो इसका उत्तर आएगा 203। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? सर अच्छा बच्चों बताना जरा, यहाँ पे शेषफल क्या होगा? सर जीरो सर जीरो जीरो अच्छा, और भागफल? सर भागफल सर 203 अरे वाह, बहुत बढ़िया। भाज्य क्या होगा? 12 सर भाज्य बेटा, भाज्य यानी 24 36 2436 सर 2436। और भाजक? 12 बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है कि यदि कक्षा में कुल पेन 25 पेन है ना,
और उसे 5 बच्चों में बराबर बांटना है, तो बताओ प्रत्येक बच्चे को कितना पेन मिलेगा? है क्या? देखो बेटा, 5 एक कमरा है, एक क्लास है, तो उसमें 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। अब इन 5ों बच्चों को ध्यान से देखोगे ना बेटा, ध्यान से देखोगे तो बोला जा रहा है कि इनको बांटने हैं पेन, अब वो भी बराबर बराबर, यानी जितने पेन इनको मिले उतने ही इनको, उतने ही इनको, उतने ही इनको और इतने ही इनको। और कुल पेनों की संख्या बेटा कितनी है? 25 है। कुल पेनों की संख्या कितनी है? 25। ठीक, तो अब होगा क्या, अब होगा क्या बेटा, अब होगा ये कि आपको उत्तर बताना कि हर एक बच्चे को कितना पेन मिलेगा। आप करेंगे कि मैं ही करूं? आप करेंगे? 5 मिलेंगे प्रत्येक बच्चे को। बहुत बढ़िया, ठीक है। कैसे आया ये 5? सर 25 पेन है सर, 5 को 25 से डिवाइड भाग कर दो, भाग करने पर, डिवाइड करने पर, तो 5 बच्चे 25। ठीक है, शेषफल अपने आप में 0। देखो ये कट का मैं निशान लगा दे रहा हूँ, इसको हटा के आप 0 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हर एक बच्चे को 5 पेन मिलेंगे, यहाँ पे लिख देना, इसलिए प्रत्येक बच्चे को 5 पेन मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। लिखा है कि दो प्राकृतिक दो पूर्ण संख्याओं का विभाजन भी एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या होना जरूरी नहीं है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप दो संख्याओं को जो कि प्राकृतिक या पूर्ण संख्याएं हैं और उनको भाग दे रहे हैं तो हमेशा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या ही है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखो बेटा, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखो, सर पूर्ण भी हो सकती है, अगर सर वो कुछ भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, 3 को भाग देते 2 से तो क्या आता है? 1.5 आता है। अब 1.5 जो है ना वो प्राकृतिक भी नहीं है और पूर्ण भी नहीं है, तो यही बात है कि कोई जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक या पूर्ण हमेशा, ठीक है सर? पूर्णांक है ये। हाँ ये थोड़ा याद रखिएगा, पूर्णांक नहीं बोलेंगे इसको बेटा, इसको बोलेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब देखो कुछ और जरूरी बातें, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है सम संख्याएं कहलाती हैं, वे संख्याएं जिनके अंत में अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है सम संख्याएं कहलाती हैं। याद करो ये चीज, मैंने आपको पढ़ाई भी थी बेटा, पढ़ाई। यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया, ये जितने भी नंबर लिखे गए सब के सब सम संख्याएं हैं। अब देखो थोड़ी सी विषम संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। सर विषम संख्या वो होती है जो 2 से भाग नहीं होती। अरे वाह बहुत बढ़िया, देखो नीचे लिखा हुआ है इसके, इसके नीचे लिखा हुआ है। माइक कौन ऑन कर रहा है? माइक को कौन, माइक बताओ। तो ये जितने भी एग्जांपल लिखे गए हैं वो सबके सब किसके हैं? विषम संख्याओं के। अच्छा अभाज्य संख्या मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है, कोई बताएगा अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या वो होती है जो 2 या 2 से 3 भागना हो। नहीं बेटा, नहीं बेटा, बिल्कुल गलत बात, गलत बात। जो भागना हो सर, जो भागना हो ना, सुनो, अभाज्य संख्याएं या फिर प्राइम नंबर, ठीक है, अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती है स्वयं से संख्या सर, जो स्वयं से भाग होती है। बहुत बढ़िया, जो सिर्फ स्वयं से या फिर एक से
विभाजित होती है। सर जिस तरह 2, 3, 5, 7, 13 2, 3, 5, 7, 13 हाँ 11 भी होता है बेटा 11। हाँ यस सर ठीक है। तो ये बच्चा देखो सही बता रहा है बिल्कुल। तो ये संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ ठीक है खुद से सॉरी खुद से यानी कि स्वयं से या फिर एक से विभाजित होती है उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि देखो एग्जांपल में लिखा गया है आई बात समझ में बच्चों। आई बात समझ में सबको। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे देखो एक बहुत जरूरी बात लिखी गई है कि एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे बेटा। याद रखिएगा कि एक जो होता है वो ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखिए जो चार होता है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक है जो चार होता है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सर दो क्यों नहीं होती? सर दो क्यों नहीं होती? दो नहीं होती बेटा क्योंकि जानते हो भाज्य होने के लिए कंडीशन ये है कि वे सभी संख्याएं जो कि अभाज्य नहीं है जो अभाज्य नहीं है उनको बोलते हैं भाज्य। दो तो अभाज्य होता है। जब ये अभाज्य होता है तो यह भाज्य नहीं होगा। तीन भी चलो बच्चों इस वाले सवाल को करके दिखाओ। ठीक है इस वाले सवाल को करके दिखाओ। सब लोग इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। बाकी बच्चे भी इसको सॉल्व करके उत्तर दीजिए। बच्चों बस 5 सेकेंड और 5 सेकेंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे। ठीक है तो अगर आपको उत्तर देना है तो जल्दी से दीजिए। ओके बच्चों अब हम पोल बंद कर रहे हैं और चैट ऑन कर रहे हैं। चैट में इसका उत्तर बताइए। बी पार्ट देखो क्या करना है आपको 60 को भाग देना है तो 4 एकम 4 लिख दीजिए। तो 6 में से 4 जाता है तो बेटा 2 आ जाएगा और ये 0 उतर जाएगा ऐसे एज इट इज उतर जाएगा। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए ताकि 20 कट जाए 20 से कम आ जाए 4 बचे 20 शेषफल 0 आ गया यानी कि भागफल आपका आ गया कितना 15। कौन सा उत्तर सही है? बी वाला उत्तर आपका सही है। बच्चों यहाँ तक सबको समझ में आया? बच्चों यहाँ तक सबको समझ में आया? ओके बच्चों ठीक है बहुत अच्छी बात।
तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट टर्म पे इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपको कुछ सर, अगर आप सर, तो आप पूछ सकते हो। हाँ बोलो बेटा। सर आज कौन सी पर्सनालिटी भेजोगे? आज मैं भेजूंगा 7.1 7.2। ठीक है सर, अभी मैं आपको होमवर्क नोट करा देता हूँ, ठीक है? रुक जाओ, मैं होमवर्क नोट करा देता हूँ। किसी का डाउट हो आप पूछ।